सब्सक्राइब करिए क्रिकेट विद स्नेहल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ स्नेहल प्रधान और आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल, जहाँ पे मेरे चैनल पे मैं शेयर करती हूँ आपके साथ ट्यूटोरियल्स, क्रिकेट गियर रिव्यूज और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए और एक रिव्यू लाई हूँ ताकि आपको क्रिकेट गियर चुनने में आसानी हो। आज हम इस चैनल पे पहली बार ग्लव्स रिव्यू करेंगे। ये है एक पैर SG टेस्ट ग्लव्स जो ऐसे पैकिंग में आए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं। अंदर एक कैरी बैग के अंदर ग्लव्स, ग्लव्स के बीच में एक पेपर कप बटर शीट और ये है द एक्चुअल ग्लव्स। अब इस पर ग्लव्स का लुक काफ़ी अच्छा है, रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर कोडिंग, SG का ब्रांडिंग बैक ऑफ द पाम्स पे और यहाँ पे ग्रिप वेलक्रो ग्रिप पे भी। उसके बाद इनका वेबसाइट और हल्का सा ब्रांडिंग ये साइड के पट्टे पे वहाँ पे हमें दिख रहा है। बात करें वेंटिलेशन की तो काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन लग रहा है इस ग्लव्स के पाम पे। जहाँ पे सेंटर ऑफ द पाम है वहाँ पे एक सर्कल में होल्स है वेंटिलेशन के लिए। हर फिंगर पे एक अच्छा सा पैटर्न है वेंटिलेशन के लिए। थंब के पास एक छोटा सा होल है जहाँ पे जॉइंट होता है पाम के साथ वेंटिलेशन के लिए, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि स्वेटिंग मोस्टली जॉइंट पे ही होती है। और एट द बैक ऑफ द थंब साइड ऑफ द ग्लव वहाँ पे भी हमें वेंटिलेशन दिख रहा है दोनों ग्लव्स पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्रोटेक्शन है फिंगर्स का वो सॉसेज टाइप प्रोटेक्शन है। दो टाइप के होते हैं, एक सॉसेज टाइप होता है, एक स्प्लिट फिंगर रहता है। तो ये एक सॉसेज टाइप प्रोटेक्शन होता है जहाँ पे एक सिंगल पैडिंग होता है पूरे हैंड पे। अब मैं दूसरा भी पहन के देखती हूँ। पहनने के बाद काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। आप देख सकते हो कि बेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब बात करते हैं इस ग्लव के कंस्ट्रक्शन के बारे में। आप देख सकते हो कि एक सॉसेज टाइप फिंगर है, बेंडिंग काफ़ी अच्छे से हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं प्रिफर करती हूँ एक स्प्लिट फिंगर टाइप ग्लव्स, क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग फिंगर्स हैं आप अपने आगे के वो ज़्यादा ईजिली बेंड हो सकते हैं। पर कुछ लोग ये टाइप ऑफ ग्लव्स प्रिफर करते हैं जिनमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। स्प्लिट फिंगर में थोड़े से गैप्स होने की वजह से कम प्रोटेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी बेंडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सॉसेज ग्रिप में कभी क्या होता है, ये जो आगे एक पार्ट होने की वजह से जब हम बैट को ऐसे ग्रिप करते हैं ये यहाँ पे टेंशन आता है और वो फिंगर्स को पीछे खोलता है, फिंगर्स को पीछे खींचता है। वो चीज़ स्प्लिट फिंगर में नहीं होती है, इसलिए मैं स्प्लिट फिंगर प्रिफर करती हूँ। पर इस ग्लव्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो साइड का प्रोटेक्शन है वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बेंड करने के लिए जगह दी है, जो एक बहुत स्मार्ट डिज़ाइन है। क्योंकि अगर ये एक कंटिन्यूस लाइन होती थी पैडिंग की तो वहाँ पे वो बेंड ठीक से नहीं हो पाता। यहाँ पे उन्होंने बीच में गैप दिया है जो बेंड करने में थोड़ा सा मदद करता है। इस SG टेस्ट ग्लव्स के थंब में दो सेक्शंस है, तो थंब में उन्होंने यहाँ पे एक ब्रेक दिया हुआ है ताकि वो थंब इजीली बेंड हो जाए। तो वो एक अच्छी चीज़ है जो मुझे पसंद आई इस ग्लव के बारे में। बात करते हैं इस ग्लव्स के पाम के बारे में। और काफ़ी सॉफ्ट लेदर है इसका, तो काफ़ी अच्छा ग्रिप रहेगा इसका, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नॉर्मली जितना सॉफ्ट लेदर होता है वो ग्रिप में ऐसे पकड़ लेता है सॉफ्ट होने की वजह से और आपका बैट फिर फिसलता नहीं है। ग्लव्स के रिस्ट बैंड पे ये एक छोटा सा कोना दिया हुआ है जो निकालना आसान करता है, तो वो एक अच्छा डिज़ाइन है। रिस्ट बैंड पे यहाँ पे एक टॉवल ग्रिप दिखता है जो काफ़ी अच्छा है। और ग्लव्स के अंदर की तरफ ये पाम का पार्ट जो है वो अंदर की तरफ लेदर का फील आ रहा है और पीछे की तरफ टॉवल जैसे मटेरियल का फील आ रहा है। काफ़ी अच्छा कम्फर्टेबल मटेरियल लगा है दोनों तरफ से। अब इस ग्लव के राइट हैंड पे जहाँ पे हमारा राइट हैंडेड बैटर के लिए बैट बॉलर की तरफ फेस होता है बैटिंग करते समय, राइट हैंड के फर्स्ट टू फिंगर्स पे उन्होंने अंदर से एक फाइबर का कोटिंग दिया है, एक फाइबर का पाइप दिया है ऊपर से फिंगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कॉटन का है, देखो आप आवाज़ पहचानोगे, ये अंदर कॉटन है, अंदर फाइबर नहीं है और यहाँ पे फाइबर है। लेफ्ट हैंड ग्लव के कोई भी पार्ट पे फाइबर नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स राइट हैंडर बैटिंग करते समय लेफ्ट हैंडेड फिंगर्स पीछे रहते हैं, आगे नहीं रहते हैं बॉलर्स की तरफ। फिर भी हम टेस्ट करेंगे कि ये ग्लव कितना सेफ्टी देता है हमें। अब इस SG टेस्ट ग्लव का प्राइस SG के वेबसाइट पे 2149 है,
पर ये ऑनलाइन अराउंड 1700 रुपीज के लिए मिल रहा है। वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगी, अगर आप चाहो तो वहां से परचेस कर सकते हो। जहां तक मैं अभी देख रही हूँ वो प्राइस है, जब आप ये वीडियो देखोगे थोड़ा बहुत ऑनलाइन के प्राइस में थोड़ा फर्क आ सकता है, पर एक्चुअली ये 2000 रुपीज के ग्लव्स है, मतलब टुवर्ड्स द हाई एंड है ये ग्लव्स, बिल्कुल मीडियम रेंज या लो रेंज के है नहीं, थोड़े से प्रीमियम ग्लव्स है। अब इन ग्लव्स का प्रोटेक्शन का हम अल्टीमेट टेस्ट करेंगे। मेरे बैट को पकड़ने वाली हूँ, इसे टेबल पे रखने वाली हूँ और इस हैमर के साथ मारने वाली हूँ। इसे काफी जोर से मार रही हूँ, आप वाइब्रेशन का आवाज देख सकते हो टेबल का, पर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। मैं स्पेशली फिंगर्स पे भी मार के देख रही हूँ तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, जब मैं यूज कर रही हूँ हैमर काफी जोर से यूज कर रही हूँ, तो इसका मतलब है प्रोटेक्शन काफी अच्छा है इन ग्लव्स का, क्योंकि मेरे फिंगर्स बेसिकली मेरे बैट के हैंडल और हैमर के बीच में आ रहे हैं। पर फिर भी जैसे एक बॉल आता है, बॉल अगर ग्लव्स को लगते हैं तो अपने फिंगर्स दब जाते हैं अपने हैंडल और बॉल के बीच में, पर वो इम्पैक्ट मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, मतलब इन ग्लव्स का प्रोटेक्शन अच्छा है। अब चलते हैं नेट्स में, जहाँ पे मैं एक्चुअली ये ग्लव्स को ऑन द ग्राउंड यूज करूंगी, उनको रियल लाइफ टेस्ट दूंगी कि जब पसीना आता है हाथ को तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और फिर हम आखिरी वर्डिक्ट देते हैं इन ग्लव्स पे। बहुत ही अच्छा ग्रिप लगा है अभी तक, अबाउट 5 to 10 मिनट्स ही यूज़ किया है, थोड़ा बहुत पसीना आया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है उससे 5 to 10 मिनट्स में भी। ग्लव्स का अंदर का पार्ट ऑलरेडी गीला हो चुका है, अभी तक बाहर तक पसीना नहीं दिख रहा है, पर सो फार नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ग्रिप। लेदर नया है, सॉफ्ट है, इस बैट का ग्रिप कुछ ज़्यादा शार्प नहीं है, फिर भी ये बैट को पकड़ने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। सो कैसे लगे ये ग्लव्स, आप देख सकते हो कि मुझे थोड़ा बहुत पसीना आ गया है, मैंने बस एक 10 से 15 मिनट बैटिंग किया, सो वो ग्लव्स पूरी तरह सोख नहीं हुए हैं, जो एक आप मैच में आधा घंटा बैटिंग करोगे या इवन एक लंबा नेट सेशन में गर्मी के दिनों में 20 मिनट्स बैटिंग करोगे तो पूरा हाथ मेरा एटलीस्ट भीग जाता है, ग्लव्स भी गीले हो जाते हैं। उतना तक तो नहीं पहुंची परिस्थिति, पर अंदर से तो ये ग्लव्स पूरे गीले हो चुके हैं क्योंकि पाम्स के बहुत स्वेटिंग हो रहा था, और फिर भी ये ग्लव्स अपना ग्रिप मेंटेन कर रहे थे, तो डेफिनेटली एक अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स लग रहे हैं ये, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगी। उनका सेफ्टी तो हमने पहले ही चेक कर चुके हैं, पर एज फार एज ग्रिप गोज, एज फार एज उनका मॉइस्चर अब्सॉर्प्शन गोज, तो ये ग्लव्स का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। बात रही उनके प्राइस की, अब उनका प्राइस पॉइंट ही थोड़ा सा एक स्पेशली बिगिनर क्रिकेटर्स को, स्पेशली यंग क्रिकेटर्स को जिनका अभी अभी क्रिकेट करियर चालू हो रहा है, प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। ये उन क्रिकेटर्स के लिए हैं जो क्रिकेट के बारे में सीरियस है, जो क्रिकेट पे स्पेंड कर सकते हैं, जिनका उतना बजट है, बट एक प्राइस पॉइंट थोड़ा सा सोर पॉइंट है। जिनको अफोर्ड हो सकता है ये बहुत ही अच्छे ग्लव्स हैं, जिनको नहीं अफोर्ड हो सकता है काफ़ी अच्छे ग्लव्स आपको मिलेंगे 1500 रुपीज के आसपास, सो वो भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ये एपिसोड आप 15 दिसंबर के अंदर देख रहे हो तो याद रखो 20,000 सब्सक्राइबर गिव अवे अभी भी चालू है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रखूंगी, वहां पे आप 4 अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो, सो वहां पे जरूर एंटर करना। आप कौन से ग्लव्स यूज़ करते हो, आप कौन से ब्रांड के ग्लव्स यूज़ करते हो, और वो एक नेट सेशन में कितने देर चलते हैं, कितने देर में उनका ग्रिप खत्म हो जाता है, मुझे कमेंट्स में नीचे बताओ। और आज के एपिसोड में इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अगली बार मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर क्रिकेट।